पाकिस्तान आर्मी को कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए, अदरवाइज़ पीपीपी और पीएमएलएन का जो अलायंस है वो उन दोनों को सूट नहीं करता। तहरीके इंसाफ वाले भी सरकार में नहीं बैठना चाहते, उनको भी पता है 3 महीने बाद वो इतने बिल उनके सर पर आएंगे कि वो बिल बला उठेंगे। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसकी बगल में जो देश है वो टेररिज्म, फाइनेंशियल क्राइसिस और अपने हमसायों को दुख देता देता, सब चाहते हैं वहाँ के ख़ासतौर पर दो पार्टियों के लोग के भारत के साथ ताल्लुक अच्छे हों, लेकिन आर्मी अच्छे ताल्लुक नहीं होने देगी। जो नफ़रत के बीज बोए हैं 76 ईयर्स से, वो रातों रात कैसे जाएंगे? देखिए, जद्दोजहद तो आर्मी ने की है, पाकिस्तान आर्मी को कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए, अदरवाइज़ पीपीपी और पीएमएलएन का जो अलायंस है वो उन दोनों को सूट नहीं करता और उनको सरकार भी सूट नहीं करती। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है विच इज़ टेरेबल, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है विच इज़ टेरेबल, तो इस सारी सिचुएशन में सूट तो किसी को नहीं करता। इवन तहरीके इंसाफ वाले भी सरकार में नहीं बैठना चाहते, उनको भी पता है 3 महीने बाद वो इतने बिल उनके सर पर आएंगे कि वो बिल बला उठेंगे। दुख होता है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसकी बगल में जो देश है वो टेररिज्म, फाइनेंशियल क्राइसिस और अपने हमसायों को दुख देता देता आज इस स्टेज पे आया है कि ना सिर्फ दिवालिया होने वाला है बल्कि उसकी डेमोक्रेसी का भी दिवालिया हो चुका है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नई सरकार, ये कोई नई सरकार तो है नहीं, ये तो PDM-2 सरकार है और सब चाहते हैं वहाँ के ख़ासतौर पर दो पार्टियों के लोग के भारत के साथ ताल्लुक अच्छे हों, लेकिन आर्मी अच्छे ताल्लुक नहीं होने देगी। सरकार तो आर्मी की है, हमेशा से आर्मी उस देश को चला रही है, आइंदा भी आर्मी उसी देश को चलाएगी। जो नफ़रत के बीज बोए हैं 76 ईयर्स से, वो रातों रात कैसे जाएंगे? तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनके ताल्लुक जो हैं पाकिस्तान के साथ, जो ताल्लुक होंगे भारत के साथ, वो अच्छे बना सकेंगे।